हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉ या बिजनेस स्टडीज़, इसे कुछ लोग बिजनेस स्टडीज़ भी बोलते हैं, बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। पहली चीज़, जो अभी आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो ये कल का ही क्वेश्चन पेपर है, मतलब कल रेगुलर और एनसीपीएफ वालों के जो पेपर हुए थे, मतलब ये इतना मानिए यह हाल फिलहाल का ही पेपर है, ठीक है, इसी साल का पेपर है। और आप विश्वास नहीं करोगे, जो ये क्वेश्चंस इसमें जो दे रखे हैं इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं क्वेश्चन की आप तैयारी कर लो तो कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम खाली तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो 75 नंबर का आपका पेपर आएगा, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हो। सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, मतलब सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे और सारे क्वेश्चन के जो नंबर है वो इक्वल है, मतलब एक भी क्वेश्चन इसमें आपका छूटना नहीं है, ठीक है, सारे इसमें आपको करने होंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट, फिर हिंदी वाले के लिए बताऊँगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले से नोट कर ले। देखिए, जो पहले क्वेश्चन जैसे देखिए, पहले जो पहला क्वेश्चन में जो रहेगा उसमें 3 पॉइंट रहेंगे, हर पॉइंट के 5-5 नंबर मिलेंगे। देखिए, 15 नंबर, यानी ये क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और फिर आपका ये ऑप्शनल में आ गया, या इन तीनों ये तीन करो या और दे देगा तो, यानी या इनमें से ये तीन करो, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इनकी तैयारी कर लेना इंग्लिश मीडियम वाले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे 5-5 नंबर के, ये कुछ नहीं है, डेफिनेशन है बस और कुछ नहीं है, ठीक है, देख लीजिए। किसी में बताएगा कि डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो पोजिशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स एंड लाइक डेट ऑफ ए विले कमेंट, तो ऐसे आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, फिर उसके बाद ये भी और में आ गए, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लिए, आप इन्हें नोट कर सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले, इन्हीं की आप तैयारी कर लो, आपका आराम से हो जाएगा। ये जितने क्वेश्चन मैं आपको आज बता रहा हूँ इनकी आप तैयारी कर लो, आपका हो जाएगा आराम से पेपर, ठीक है। कई स्टूडेंट मांग करते कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लो लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट कैसा फॉर्मेट आएगा वो भी आप देख लीजिए। उसके बाद फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इसमें भी आपको वैसे ही मिलेगा 9, 6 नंबर, 15 नंबर में, यानी ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। इसमें एक्ट पूछा गया है, LLP एक्ट और LLP डिस्कस, LLP के बारे में इसमें बताना है कि व्हाट इज द रोल डज द प्ले, ये जो LLP एक्ट है किस तरीके का रोल प्ले का, ठीक है। लिमिटेड LLP ये भी वही है, उसी को परवेज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें कर सकते हो। फिर आगे IT एक्ट पूछ लेगा आपसे 5वें क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप देख लीजिए, एक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं आपको बताऊँगा, ये इंग्लिश मीडियम में डिस्कस्ड आवर डिजिटल सिग्नेचर इन द क्रिएटेड एंड द वेरीफाइड, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ, देख लीजिए सारा आपके सामने ही है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, कर लेना आप हिंदी मीडियम वालों के लिए। अनुबंधों का कानून, ना तो सभी समझौते का कानून है और ना ही सभी दायित्व का कानून, टिप्पणी कीजिए, उन परिस्थितियों पर चर्चा कीजिए जब एक प्रस्ताव समाप्त होता है, ए का बेटा आग में फंस गया है, उसने अपने बेटे को बचाने वाले को 50,000 रुपये का इनाम की घोषणा की, बहुत बहुत बढ़िया। बी ने बच्चे को बचाया, क्या वे पैसे का दावा कर सकता है, क्या क्वेश्चन है, ठीक है, यही होता है। यदि बच्चे को बचाने के बाद बी को इनाम की पेचकश के बारे में पता चलता है तो क्या आपका उत्तर वही होगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के बीच अंतर कीजिए, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, अभी इंग्लिश में था वो, ठीक है। खोई हुई वस्तुओं के खोजकर्ता की स्थिति एक जमानतदार की तरह, टिप्पणी कीजिए, क्षतिपूर्ति और गारंटी के बीच अंतर कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये आपका भी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, खोई हुई वस्तुओं के खोजकर्ता, ये सारा आपका देख लीजिए, क्षतिपूर्ति और गारंटी के बीच अंतर। मैं काफ़ी स्लो चला रहा हूँ ताकि आप सभी लिख लें, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बिजनेस लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी बिजनेस स्टडीज़ के। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं देख लीजिए, बिक्री का अनुमान, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर विश्वास है इनको कर लीजिए। कई स्टूडेंट ने किया है वो कह रहे हैं बहुत अच्छा गया पेपर, तो मैं आपसे ये कहूँगा इन्हीं कुछ कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन, देखिए जहाँ भी आपको या मिलेगा या और मिलेगा, इन दोनों पार्ट में से आपको एक ही पार्ट करना होगा, ठीक है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ गया LLP के बारे में, मैंने टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन आपको करने होंगे,
देखिए, एक निजी कंपनी की एलएलपी में बदलने की प्रक्रिया पर चर्चा करें, इस तरह के रूपांतरण के परिणाम क्या होंगे। चर्चा कीजिए कि एक समिति आईआईटी अधिनियम, डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाण पत्र के निलंबन, अभिदाता किसे कहा जाएगा और उसके कर्तव्य, ये सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में ही इंक्लूड किए गए। तो ये थे आज के क्वेश्चंस बिजनेस लॉ के, और क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट भी आपको समझ में आ गया होगा। इनकी आप तैयारी कर लो, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा पेपर में। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।